इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। दो साल से जारी सियासी बोहरान खत्म हो गया है, जिसके खात्मे के लिए 4 इंतखाबात कराए गए थे। अब क्या इसराइल में सियासी इस्तेहकाम आएगा और क्या फलस्तीनियों के लिए कोई अच्छी खबर आएगी, वो किसी मुस्बत पेशरफ की तवक्को क्या रख सकते हैं। हमारा सवाल यह है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 12 साल दौर खत्म हो गया है, नफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, तो क्या फलस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी। जनरल साहब, आप क्या समझते हैं। देखिए, जो नेतन्याहू को शिकस्त हुई या उसका जो जिसकी वजह से उसकी प्रॉब्लम बनी, वो उसके ऊपर करप्शन के इल्जाम थे और उन इल्जाम को वो अवॉइड करता रहा, लेकिन बहर सूरत वो इल्जाम मौजूद थे और कहा जाता है कि उससे तहकीकात अभी की जा रही। इन हालात में उसको अगर रिजेक्ट किया है वहां के अवाम ने, इसराइल के अवाम ने, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको कोई इख्तलाफ था उसकी पॉलिसीज जो फलस्तीन के मामले में थी। और जो वो सेट कर गया है ईरान के साथ अपनी दुश्मनी का सिलसिला, इसी तरह फलस्तीनियों के बारे में, मेरा ख्याल है कि दूसरे लोग जो उसके बाद अभी नस्ली आ रहे हैं, इनको इसको कंटिन्यू करना होगा। अगर ये नहीं करेगा तो हो सकता है कि हार्ड लाइनर के सामने इसको फिर वो पॉपुलरिटी ना रहे और इनकी कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो खत्म हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि ये फिलहाल तो ये पॉलिसी चलाएंगे और अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन वगैरह करेंगे। उसमें हो सकता है थोड़ा बहुत अमेरिकन जो है वो इनको जो जितना वो वोकल था नेतन्याहू, शायद इनको समझाएं कि आप इतना वोकल ना रहें, क्योंकि तो नेतन्याहू तो हर वक्त ईरान और फलस्तीन के बारे में कोई ना कोई स्टेटमेंट देता रहता है, तो ये पॉसिबिलिटी है। ठीक, नासिर बेग साहब, समझते हैं कि जो नई सियासी तब्दीली आई है, इसके बाद फलस्तीनी आवाम के लिए कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है। बिल्कुल नहीं, पता ही नहीं। नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा संगीन एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट हैंड का आदमी है, नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में। ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फलस्तीन ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए, फलस्तीन बचा कितना सा है। एक ज़माने में फलस्तीन पूरा नक्शा था, पूरा मैप कागज़ पर आता था, अब एक नुक्ते पर आता है फलस्तीन और अब हम उसको देखते रहे, वो पेशकदमी करता रहा जो भी था। वो पहले खातून थी गोल्डा मायर, बड़ी खातून आहन थी, फिर शमून पैरिस आया, ये आयद और एक के बाद एक बढ़कर इंतहा पसंद आता है, जैसे हिंदुस्तान में है। हिंदुस्तान में भी एक से बढ़कर एक इंतहा पसंद आ रहा है आगे और हम उनको बड़ा खैर मकदम करते हैं। तो इसी तरह नफ्ताली जो है उसका ताल्लुक एक्स्ट्रा मिलिटेंट राइट विंग से है और वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाए, आबादियां बढ़ जाएं, ये करें, फ़लस्तीन ग़ुलाम बन के रहें, सेकंड ग्रेड नहीं थर्ड ग्रेड बन के रहें, अगर अरब फ़लस्तीन रहना चाहते हैं अलकुद्स के अंदर। तो नफ्ताली से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जुल्म बढ़ेगा, ज़्यादा ख़तरनाक बढ़ेगा। बात करप्शन की है, बात नेतन्याहू की, और भी दूसरे कई मसाइल हैं, कुछ अमरीका से भी खफगी रही उसकी और वो भी उसको लेकर डूबी है। लेकिन ये कि अब कोई मेजर चेंज आना मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ये है कि फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे, हम कुछ और नहीं कर सकते। सही अथर, जैसा कि NBC ने कहा कि नफ्ताली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, तो ज़्यादा अच्छी तवक्कोआत नहीं रखनी चाहिए फ़लस्तीन से लेकर। जी बिल्कुल, वो तो फलस्तीन के वजूद से इनकारी हैं। वो तो ये कहते हैं कि जो टू स्टेट सोल्यूशन है, दो रियासतों वाला, वो भी उसको भी नहीं मानते। इलीगल जो सेटलमेंट्स हैं वो उसके भी हक में, वो कहते हैं उनमें मजीद इजाफा होना चाहिए। और उसके अलावा अभी जो पिछले दिनों गाजा के अंदर इसराइल ने बमबारी की, जिसमें अस्पतालों को निशाना बनाया, स्कूलों को निशाना बनाया, सिविलियंस को निशाना बनाया, उस हवाले से भी नफ्ताली जो है वो वीडियोज वगैरह भी रिलीज करते रहे और एक वीडियो के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का शिफा हॉस्पिटल दिखा के कहा
कि ये हमास का हेडक्वार्टर है गाजा के अंदर और इसके ऊपर इस वजह से बमबारी की गई क्योंकि यहां पे भी हमास के लोग थे। तो नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूं, वो स्पेशल फोर्सेज के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे भी लड़ चुके हैं और उनके अंदर जो मुस्लिम मुखालिफ या जिसे आप कह सकते हैं कि फलस्तीनी मुखालिफ जज्बात हैं वो इतने ज्यादा हैं कि जितना आज तक शायद हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन एक चीज है कि इस कोलेशन में दीगर जमातें भी शामिल हैं और नफ्ताली जो है वो 2 साल के लिए वजीर आजम बनेंगे, कोई ऐसा इनका फार्मूला है और उसके बाद दूसरे कुछ हिसाब सामने आएंगे। ठीक, तो जुनेरा यानी कोई मेजर चेंज नहीं आएगा नफ्ताली के आने के बाद भी? देखिए बेसिक चीज़ जो है वो ये है कि हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो ज्यूइश स्टेट है पूरी दुनिया में वो एक ही है और उसको लेके ज्यूज बहुत सेंसिटिव हैं और इनसिक्योर हैं। उनकी सिक्योरिटी का देयर इज नो एंड, चाहे अमेरिका अपनी सारी आर्म्स एमिनेशन भी उन्हें दे दे, उनकी इनसिक्योरिटी नहीं खत्म हो सकती। सो विद एवरी इलेक्शन या एवरी गवर्नमेंट चेंज आपको पहले से ज्यादा हार्ड लाइनर और राइटिस्ट और नेशनलिस्ट ऑर्थोडॉक्स ज्यूज हुकूमत में आते हुए नजर आएंगे। ये जो कोएलिशन है ये 12 जमातों का कोएलिशन है और अगर 12 जमातों ने मिलके इतने ज्यादा हार्ड लाइनर को, एक राइट विंग के बंदे को, नेशनलिस्ट को अपना हेड चूज किया तो आप अंदाजा कर लें कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरा, नेतन्याहू की जितनी पॉलिसीज थी उसमें नफ्ताली का बहुत रोल था बिकॉज ये उनका चीफ ऑफ डिफेंस भी रहा हुआ है और चीफ ऑफ स्टाफ भी रहा हुआ है। वो जब अपना मौका आया तो वो अलहदा जरूर हो गए लेकिन जितनी पॉलिसीज नेतन्याहू ने फॉलो की हैं और जो तबाही हमने देखी है उसमें इनका ऑलरेडी बहुत हाथ था। जो अथर बात कर रहे हैं वो इनका कोएलिशन का जो आपस में समझौता हुआ है वो। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसराइल के नए प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट बन चुके हैं जो कि दो साल के लिए इनका टर्म रहेगा और इन्होंने रिप्लेस किया है बेंजामिन नेतन्याहू को। आपको पता होगा बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया में कितने पॉपुलर थे और उनके फॉलोअर्स इसराइल से ज़्यादा इंडिया में थे, हालांकि इनके भी हो जाएंगे। आपको भी पता है इसराइल को लेकर इंडिया का खासा लव है। क्यों लव है? क्योंकि इसराइल एक इंस्पिरेशन है। इसराइल बताता है कि आप नंबर्स में कम हो सकते हो लेकिन आप ताकतवर कैसे बनते हो ये इसराइल ने बताया, कैसे युद्ध जीता जाता है, कैसे मोसाद जब तक दुश्मन मर ना जाए तब तक बदला लिया जाता है, उस चीज़ के सब फैन हैं। और इस वजह से इसराइल के लोगों के और इसराइल के जो फैन हैं वो इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तानी मीडिया में इन जनाब का बहुत ज़्यादा पहले से ही मतलब डर का माहौल बन चुका है। इन जो ये बेनेट साहब हैं इनका जो पाकिस्तान अब पुराना रिकॉर्ड वगैरह निकाल रहा है, बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान के खिलाफ भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, ये तो बेंजामिन नेतन्याहू से भी ज़्यादा खतरनाक हैं, राइट विंगर हैं और ये तो इनकी ऐसी पॉलिसी है कि ये वेस्ट बैंक को भी मतलब इसराइल में ऐड कर लेंगे। वेस्ट बैंक आपको बता दें फिलिस्तीन के 2 हिस्से हैं, वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी। तो जो गाजा पट्टी से ही हमले होते हैं वेस्ट बैंक की तरफ से ऐसा कुछ होता नहीं है गाइस। तो आपको बता दें कि ये अब आए हैं तो इनको इसलिए लाया गया है कि ये इसराइल को शायद कुछ जो मतलब आजू बाजू जो शांति का माहौल नहीं रहता है, अशांति रहती है, उसे मतलब शांति का माहौल बनाएंगे और हमास की बैंड बजाएंगे, इस तरीके की सोच से इनको लाया गया है। और वेस्ट बैंक का भी ये ऐड कर लेंगे हिस्सा इसराइल में, जो कि ये मानते हैं कि वो इसराइल का हिस्सा है। तो दोस्तों अब सिचुएशन ये है कि इन्होंने सीखा बेंजामिन नेतन्याहू के अंडर में ही था जो कुछ भी सीखा था और इन्होंने ये बात भी बोल दी कि मैं बेंजामिन नेतन्याहू से ज़्यादा राइट विंगर हूँ। और इन्होंने जो इसराइल में बसने वाली 20% मुस्लिम आबादी है उसके भी मतलब जो मतलब राइट्स उनकी भी बात कही है लेकिन उन्होंने ये भी बोला कि मैं उनसे ज़्यादा राइट विंगर हूँ। तो अब आने वाले समय में सिचुएशन समझ में आएगी। आपको भी पता है इसराइल में ऐसा माहौल रहता है, हर समय वो युद्ध में रहता है, उसके आयरन डोम वगैरह एक्टिव ही रहते हैं। तो गाइज़ ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट बॉक्स में लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।